ये तो रही एंशियंट की बात। अब हम मूव करते हैं मेडिवल की तरफ। देखो हम मान के चलते हैं कि एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री यानी प्राचीन काल और मध्यकालीन मध्यकाल के इतिहास दोनों का पढ़ने का फॉर्मूला लगभग एक ही है। मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा अलग हो जाता है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। मेडिवल में आप वही करिए, उसको दो पार्ट में बांटिए, सल्तनत काल और मुगल काल, फिर आप वही फॉर्मूला को अपना रहे, उसको आप राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक में बांटिए। राजनीतिक में पहला आएगा राजनीतिक विस्तार। राजनीतिक विस्तार फिर आप मानचित्र पर कर रहे हैं और आप राजनीतिक विस्तार में सीधा उठाइए मोहम्मद गोरी ने भारत को कॉन्क्वेस्ट किया, भारत की विजय की, और फिर मोहम्मद गोरी की यात्रा वहां से शुरू हुई, वहीं से आपकी भी यात्रा शुरू हो जाएगी। पहले आप राजनीतिक इतिहास को देखिए कहां से कहां क्या कॉन्क्वेस्ट हुआ, अब मोहम्मद गोरी से आप आगे बढ़े, उसके बाद आप ऐबक इल्तुतमिश होते हुए उल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रजिया होते हुए उसके बाकी कमजोर उत्तराधिकारी होते हुए आप बलबन तक पहुंचे, बलबन से खिलजी डायनेस्टी तक पहुंचे, खिलजी से तुगलक डायनेस्टी पहुंचे और लास्ट में लोदी डायनेस्टी पहुंचे। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट 5 से 6 शासक हैं जो यूपीएससी के लिए या किसी भी स्टेट सर्विस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एक होगा इल्तुतमिश, दूसरा होगा रजिया, तीसरा बलबन, चौथा अलाउद्दीन खिलजी और पांचवा मोहम्मद बिन तुगलक और छठा फिरोज शाह तुगलक। ये 6 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में बच्चों ना तो यूपीएससी ने स्टेट सर्विसेज में आप कुछ अनुमान नहीं कर सकते हो क्या पूछेंगे, तो कोई बात नहीं है। हमारा जो फॉर्मूला है फॉर्मूला बहुत ही कारगर है कि ज़्यादा जानना सरल है और कम जानना कठिन है। जैसे आप थोड़ा जानने की कोशिश करोगे तो ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकोगे। अब अगर एक पूरे सिस्टम में बंद कर आप चलोगे तो आपको चाहे वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप उसका उत्तर कर सकते हो। जैसे उदाहरण रखो मोहम्मद गोरी, आप मोहम्मद गोरी से आरंभ किया, फिर आपने कुतुबुद्दीन ऐबक देखा, वहां से बढ़ते हुए आप आगे बढ़े और आप ये पूरी यात्रा आपकी चली इब्राहिम लोदी तक। आप सपोज करिए आपसे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछते हैं जो पूछा गया है कि लोदी शासकों के प्रशासनिक संगठन और संरचना के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, तो उसमें तो आपको भान होगा कि अरे भाई मैंने तो सिलेक्टिव पढ़ा था, मैंने तो अलाउद्दीन खिलजी देखा, मैंने मोहम्मद तुगलक देखा। अब अंदर से आप निराश होकर निकलेंगे कि मैंने जिन जिन को पढ़ा उनके बारे में पूछा नहीं है, पूछा लोदी शासकों का प्रशासनिक संरचना। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप फॉर्मूला के साथ बंद कर जाएंगे तो कभी भी आप उसे मिक्स नहीं कर सकते। तो आप चले आए यहाँ पर इब्राहिम लोदी तक, वहाँ आप रुक गए, वहाँ के बाद फिर बाबर की यात्रा शुरू होगी, उसको तत्काल रहने दीजिए और फिर आप चले आए प्रशासन पर। आप प्रशासन पर आए तो प्रशासनिक संरचना कैसे 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 एक आप कह सकते हो कि वहाँ से इंडो इस्लामिक प्रशासनिक संरचना का विकास हुआ, किस प्रकार से इल्तुतमिश ने एक पहली बार एक प्रशासनिक संगठन को विकास करने का प्रयास किया और वहाँ से शुरू होकर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक से होते हुए ये प्रशासनिक संरचना का क्या स्वरूप बदला, उसमें राज्य और समाज में क्या संबंध था, क्या सल्तनत एक धर्म तंत्र था अथवा नहीं, केंद्रीय प्रशासन कैसा था, प्रांतीय प्रशासन के विकल्प के रूप में एकता प्रशासन कैसा था, वो सब कुछ आपको तुलनात्मक रूप में स्पष्ट होता जाएगा और यह पता चल जाएगा कि किस शासक के समय किस प्रकार की प्रगति हुई। वहां से आप अर्थव्यवस्था पर चले आते, तो फिर कितना इंटरेस्टिंग है, जहां पूर्व मध्य काल में आप छोड़ा वहीं से आपका सल्तनत काल का शुरू हो गया और पता चला कि जब तुर्क लोग आए तो उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाए। सीधा आपको याद हो जाएगा पूर्व मध्य काल से आने वाले बदलाव को, और जब तुर्क लोग का जब आगमन हुआ तो उन्होंने एग्रीकल्चर में क्या परिवर्तन लाया, किस प्रकार से नवीन शिल्प लेकर आए, जो नवीन शिल्पों ने यहाँ आकर नगरीकरण को प्रोत्साहन दिया, उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, और उस समय के चरखा करगा धुन की जितने भी इंपॉर्टेंट शिल्प है वो तुर्कों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इस्लामिक जगत उसमें प्रगति के पथ पर था और इसका कुछ फायदा भारत को भी मिला। वहां से आप आगे जाते हो तो समाज पर आते हो, तो अब तक क्या था, हमारा समाज लंबवत विभाजित था, उसको कहते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ऊपर से नीचे लंबवत। अब हमारा समाज विभाजित हुआ 6 हिंदू और मुस्लिम, उसका जो प्रभाव समाज पर पड़ा है वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर आप समाज से बढ़ोगे तो संस्कृति जिसको तुम गांगी जमनी संस्कृति कहते हो, वो गांगी जमनी संस्कृति वहीं विकसित हुई, जिसको समन्वित संस्कृति ऑफ इंडिया कहते हो, जो जहां से निकला है अमीर खुसरो और अधिसंख ऐसे हिंदू और मुस्लिम लेखक, भक्ति सूफी मूवमेंट, वहां आपको इंडो इस्लामिक स्थापत्य। इसको अगर आप पूरे क्या मैं बताऊं, आप अगर पूरे फीलिंग्स के साथ पढ़ोगे तो आपको कभी भी ना तो जीएस में कल्चर में कहीं परेशानी आ सकती है और ना ऑप्शन में कोई क्वेश्चन आपका मिस हो सकता है। फिर इसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप बढ़ जाते हो मुगल काल पर। मुगल काल पर भी वही फॉर्मूला आप अपनाते हो, आपने जहां से इब्राहिम लोदी को छोड़ा था वहां से आप बाबर को पकड़ लीजिए, बाबर के साथ बढ़ जाइए विस्तार। बाबर के बाद आप सीधा हुमायूं बढ़ेंगे और हुमायूं के बाद जो बीच में जो एक इंटरल्यूड पीरियड है शेरशाह का, वो ऑटोमेटिकली प्रशासन वगैरह शेरशाह का निपट के वहीं आप उसको रख दीजिए।
फिर शेर शाह आप अकबर पर चले जाएंगे, और अकबर के बाद आप जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसी सीध में बढ़ते चले जाइए। तो अकबर के काल की सारी उपलब्धियां जहांगीर और शाहजहां के काल, और फाइनली कैन से औरंगजेब। नॉर्मली कहा जाता है कि अलीगढ़ हिस्टोरियंस ने क्या किया, तो एक नायक चुना, एक प्रतिनायक चुना, नायक अकबर और प्रतिनायक औरंगजेब, और उन्होंने उसी पर कंसंट्रेट किया। अधिकतर उनके क्वेश्चंस भी उधर से ही आते रहे, आप गौर करोगे। लेकिन आज की तारीख में आप ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है आपको जहांगीर से क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है आपको शाहजहां पार्ट से क्वेश्चन पूछ दे। यू कैन नॉट टेक द रिस्क। क्वेश्चन का साइज 150 वर्ड से 200 वर्ड्स का है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहीं भी रिस्क नहीं ले सकते। आप पूरे लास्ट तक चले जाते हो, कहीं कोई रिस्क नहीं है। आपको किसी भी शासक के विषय में पूछे, आप उसके ऊपर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। उसके बाद फिर आप प्रशासन में आते हो, तो सल्तनतकालीन प्रशासन से मुगलकालीन प्रशासन में क्या विकास होगा, इसमें सिर्फ आप पहले आप अपनी सोच को लगाइए कि भाई आखिर मुगल आए, वह मुगलों ने तुर्कों की तुलना में प्रशासनिक संरचना को ज़्यादा संगठित किया या कम संगठित किया। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक ने संगठित किया, लेकिन अकबर का जो संगठन था वो कितना बेहतर था। अगर उसमें आपको इकतादारी मिलेगा तो आपको मनसबदारी मिलेगा। वहाँ अगर केंद्रीय प्रशासन में आपको कुछ विभाग मिलेंगे तो उसकी तुलना में मुगल काल में केंद्रीयकरण, आपको केंद्रीय प्रशासन में स्पष्ट अधिकारी मिलेंगे जिनके दायित्व तो निश्चित हैं। अगर मैं किसी लेमैन किसी बच्चे से पूछूं जो इतिहास की तैयारी करता है कि सल्तनत काल की तुलना में मुगल काल में आपको केंद्रीयकरण ज़्यादा मिलता है या केंद्रीयकरण कम मिलता है, तो अब मैं समझता हूं कि उसका सीधा उत्तर होना चाहिए ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सल्तनत काल में जो प्रशासनिक संरचना कायम होगी वह मुगल काल में और भी विकसित होती जाएगी। तो केवल आप चेंजेज को देखते चले जाएं कि सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन में कितने विभाग हैं, दायित्व क्या है, और नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और मुगल काल में क्या बदलाव आए हैं अधिकारी से लेकर दायित्व में, और साथ ही साथ बादशाह और बाकी अधिकारियों के बीच संबंधों में। ठीक वही चीज आपको लागू होगी। एकता प्रांतीय प्रशासन सल्तनत काल में है ही नहीं, एकता प्रणाली उसके विकल्प के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अकबर किस प्रकार से सूबा प्रशासन को डेवलप किया है, फिर सीधी बात आ जाएगी इकतादारी और मनसबदारी की तुलना पर, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा। आप 2014 का क्वेश्चन उलट के देखिए, वहां पर सीधा आपको पूछा है इकतादारी और मनसबदारी की तुलना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको वहां से डायरेक्ट भी मिल जाएंगे। फिर वहां से आप आते हैं समाज पर, तो सल्तनतकालीन समाज में दो भिन्न समुदाय के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई, हिंदू और मुस्लिम। यह अंडरस्टैंडिंग मुगल काल में और भी चल के बढ़ी है। कंपोइट कल्चर को प्रोत्साहन मिला है। मुगल काल का स्थापत्य साहित्य हर क्षेत्रों में आप देखेंगे यह इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर मेरा मैसेज यह है कि आप कोई भी चीज़ को अकेला नहीं पढ़ेंगे, आप वहाँ से पढ़ते जाएंगे। और फिर तो मैं बताऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री में आगे आपको, तो वहाँ पर मैं ये चीज़ बताऊँगा कि 18th सेंचुरी का इतिहास ठीक वहीं से शुरू होगा जहाँ मुगल समाप्त करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी मुगल है तो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी ब्रिटिश है, और वहीं से मुद्दा शुरू होगा। क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्लेम करेंगे कि हमने अंधकार युग को इंडिया में समाप्त करके और हमने पलासी की युद्ध के माध्यम से पलासी क्रांति ला दी, इंडिया का आधुनिकीकरण किया। तो आपको देखना है कि 18th सेंचुरी में मुगल जहां छूटे थे वह कौन सा काल था और ब्रिटिश आए वह कौन सा काल है, तो तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। बच्चों एक समय ऐसा आएगा कि आप कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास से लबालब अपने आप को महसूस करोगे कि ऐसा भी कहीं किया जा सकता है। एक बार आप आजमा के देखो इस फॉर्मूला को। फिर उसमें भी हम हिस्टोग्राफी पर आते हैं। सबसे पहले इंपीरियलिस्ट स्कूल आया जिसमें सर जगन्नाथ सरकार है, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन उसको बोलते हैं। अब उन्होंने अपने ढंग से एक दृष्टिकोण दिया। उसके बाद राष्ट्रवादी परंपरा के लेखक आए, राष्ट्रवादी में भी दो समूह हो गए। एक को कहते हैं हम सेकुलर, सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, और दूसरे को हम कहते हैं सांप्रदायिक। तो दोनों तरह के हिस्टोरियंस आए। उसके बाद आए मार्क्सवादी राष्ट्रवादी जिसका घर अलीगढ़ हिस्टोग्राफी रहा, और अलीगढ़ से बाहर भी जैसे हरवंश मुखिया है जेएनयू से हैं, या सतीश चंद्रा रहे हैं वो भी अलीगढ़ से बाहर से रहे, इन सब का कंट्रीब्यूशन मिडिवल हिस्ट्री में रहा है। उसके बाद फिर नया स्कूल आया संशोधनवादी जो अभी बहुत छाया हुआ है, आपने नाम सुना होगा संजय सुब्रमण्यम, मुजफ्फर आलम, चेतन सिंह। तो इन सब का जो दृष्टिकोण है वो और भी चीज़ों को परिपक्व बनाता है। अगर ये तीनों स्टेज का काम कर लिया जाए बच्चों, तो मैं नहीं समझता कि किसी को इस विषय में दिक्कत होगी, और कोई भी क्वेश्चन चाहे यूपीएससी में है और स्टेट सर्विसेज में आपके हाथों से निकल पाएगा। फिर हम आगे के लेक्चर में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताएंगे।